हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। चैप्टर है आपका रासायनिक बल गतिकी, यानी कि भौतिकी रसायन के फोर्थ चैप्टर आपका रासायनिक बल गतिकी है। तो इसके बारे में आपका फर्स्ट क्लास हो चुका है और आज आपका सेकेंड क्लास है, रासायनिक बल गतिकी का सेकेंड क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में मैं बता चुकी हूँ कि रासायनिक संकीर्ण ऊर्जा क्या है और संकीर्ण ऊर्जा के कितने प्रकार हैं। फिर से देखिए, संकीर्ण ऊर्जा क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और आज का आपका टॉपिक है कि संकीर्ण ऊर्जा के कितने प्रकार हैं। संकीर्ण ऊर्जा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो देखिए संकीर्ण ऊर्जा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के तीन प्रकार हैं। फर्स्ट आपका है तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, सेकेंड है मंद अभिक्रिया और थर्ड है मध्यम अभिक्रिया। देखिए तीव्र अभिक्रिया है कि जो वैसे अभिक्रिया जिसमें रसायन संकीर्ण ऊर्जा का मान बहुत ही कम होता है, तीव्र अभिक्रिया में बहुत ही कम होता है, किसका मान, संकीर्ण ऊर्जा का मान बहुत कम होता है, उसी को तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। और इसी प्रकार से आपका जो मंद अभिक्रिया है उसमें आपका क्या है कि मंद अभिक्रिया में संकीर्ण ऊर्जा जो है उसका मान आपका बहुत अधिक होना चाहिए, ठीक है, उसी को मध्य अभिक्रिया कहते हैं, सॉरी मंद अभिक्रिया कहते हैं। और मध्य अभिक्रिया है कि उसका संकीर्ण ऊर्जा का मान मध्य होना चाहिए, ठीक, उसी को मध्य होता है, उसी को कहते हैं मध्यम अभिक्रिया। देखिए संकीर्ण ऊर्जा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, चलिए लिख देते हैं, संकीर्ण ऊर्जा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के तीन प्रकार हैं। ये सब संकीर्ण ऊर्जा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। फर्स्ट है तीव्र अभिक्रिया, सेकेंड है मंद अभिक्रिया और थर्ड है मध्यम अभिक्रिया। ये सब जो भी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, इस चैप्टर का। फिर नेक्स्ट है आपका तीव्र अभिक्रिया। अब तीव्र अभिक्रिया देख लीजिए, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिनकी संकीर्ण ऊर्जा का मान बहुत कम होता है उसी को ये तीव्र अभिक्रिया कहते हैं, बहुत कम होता है उसी को तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। किसका मान, तो तीव्र एक होता है तीव्र अभिक्रिया की जो तेजी से होता है, लेकिन इसमें क्या है कि संकीर्ण ऊर्जा का मान जो है वो बहुत कम होना चाहिए, उसी को तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया क्या है, मंद अभिक्रिया। तो देखिए मंद अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें संकीर्ण ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है उसी को मंद अभिक्रिया कहते हैं, ऐसे। फिर नेक्स्ट है मध्यम अभिक्रिया। मध्यम अभिक्रिया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें संकीर्ण ऊर्जा का मान मध्यम होता है उसी को मध्यम अभिक्रिया कहते हैं। देखिए लिख देते हैं, इतनी बात समझ में आ गई कि संकीर्ण ऊर्जा के आधार पर
और रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो संकीर्ण ऊर्जा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के तीन प्रकार होते हैं, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, मध्यम अभिक्रिया। ठीक है, तीव्र अभिक्रिया में जिसमें कि संकीर्ण ऊर्जा का मान बहुत कम होता है उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं, और मंद अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में संकीर्ण ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है उसी को मंद अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से आपका मध्यम अभिक्रिया है तीसरा, तो उसमें हो गया कि जिसमें संकीर्ण ऊर्जा का मान मध्यम होता है उसी को मध्यम अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इतना बात समझ में आए। नेक्स्ट है कि अभिक्रिया वेग या फिर अभिक्रिया दर क्या है। आपका इस चैप्टर का जितने भी टॉपिक्स हैं या फिर कंसेप्ट है ये सब इसी पे आधारित है, अभिक्रिया वेग पे इसी पे आधारित है। इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है इस चैप्टर से, और यह चैप्टर बहुत ही आसान है, जो भौतिकी रसायन के फोर्थ चैप्टर है बहुत ही आसान है, सब चैप्टर से आसान है। चलिए देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया वेग क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या प्रतिफल के इकाई समय में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या प्रतिफल, ये अभिकारक हुआ और ये प्रतिफल के इकाई समय में सांद्रण परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। समझ में आ गया अभिक्रिया वेग क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या प्रतिफल के इकाई समय में सांद्रण परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का दर, इसका देखिए फॉर्मूला है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया का दर इक्वल अभिकारकों की सांद्रण में कमी या फिर उत्पादों में, उत्पादों की सांद्रण में वृद्धि बटे में आपका समय अंतराल हो गया। देखिए यहाँ अभिक्रिया का वेग आपका दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अभिक्रिया का वेग कितने दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। फर्स्ट है कि अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक के सांद्रण के घटते घटने के वेग द्वारा, जो अभिकारक है उसमें से किसी एक अभिकारकों के सांद्रण के घटने के द्वारा, घटने के वेग द्वारा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है, सेकेंड है आपका कि प्रतिफलों में से किसी एक, ये तो अभिकारक के लिए बात कर रहा था फर्स्ट है जो, और सेकेंड आपका प्रतिफल के लिए हो गया। प्रतिफल में से किसी एक प्रतिफल के, किसी एक प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि होने के वेग द्वारा, इसमें है अभिकारक में घटने के वेग द्वारा और ये प्रतिफल में आपका बढ़ने के वेग द्वारा हो गया। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका उदाहरण है कि अभिक्रिया वेग प्रदर्शित करने के लिए एक अभिक्रिया ए टू बी लेते हैं। अभिक्रिया का वेग प्रदर्शित करने के लिए एक अभिक्रिया ए से बी लेते हैं। ठीक है, जहां पे देखिए अभिक्रिया प्रारंभ होने पर जैसे जैसे समय बीतता है, जब अभिक्रिया को स्टार्ट करते हैं जैसे जैसे समय बीतता है, तो इस प्रकार से ए अभिकारक ए का सांद्रण या ए जो है आपका अभिकारक है और बी प्रतिफल है। देखिए ए का सांद्रण घटते जाता है, अभिकारक आपका घटते जाता है तथा प्रतिफल बी का सांद्रण बढ़ते जाता है। माना कि समय T1 में ए का सांद्रण, समय T1 लेते हैं, मान के चलते हैं कि समय T1 है, तो T1 में ए का सांद्रण A1 एवं समय T2 में ए का सांद्रण आपका A2 हो गया। समय T1 में ए का सांद्रण आपका A1 हो गया और समय T2 में ए का सांद्रण आपका A2 हो गया। इस प्रकार से तो अभिक्रिया दर, देखिए तो अभिक्रिया दर इक्वल आपका हो गया कि ए के सांद्रण में कमी बटे में समय अंतराल, अभिक्रिया दर हो गया आपका। जब रिएक्शन रेट देखिए, इसका अभिक्रिया दर देखते हैं तो A1 - A2 बटे में T2 - T1, इस प्रकार से आपका फॉर्मूला प्राप्त होता है R = ΔA/ΔT, यही आपका प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट है, इस साइन को हम लोग बड़ी कोष्ठ कहते हैं, इस साइन को बड़ी कोष्ठ कहते हैं, आप लोग को भी पता होगा। बड़ी कोष्ठक मोलर सांद्रता का सूचक होता है, जो बड़ा कोष्ठ होता है वह मोलर सांद्रता के सूचक होता है। R = देखिए A1 - A2 बटे T2 - T1,
यहाँ पे आपका हुआ, यहाँ देखिए आर इक्वल माइनस डेल ए बटे डेल टी, तो माइनस क्यों लगा? तो देखिए अभिक्रिया के दौरान अभिकारक का सांद्रण घटता है, जो अभिक्रिया हम कराते हैं उस समय अभिकारक का सांद्रण घटता है, इसलिए इसमें माइनस का साइन लगता है, ठीक है। और फिर है कि अभिक्रिया इसलिए चूंकि यहाँ तक कि चूंकि अभिक्रिया के दौरान अभिकारक का सांद्रण घटता है, इसलिए अभिक्रिया वेग के लिए माइनस ऋणात्मक की चेन दिया जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट है, एक अभिक्रिया ए टू बी के लिए। अब फिर है नेक्स्ट सेकंड कि एक अभिक्रिया ए से बी के लिए अभिकारक का अभिक्रिया वेग, अब निकालेंगे अभिकारक का अभिक्रिया वेग। तो देखिए ए वन माइनस ए टू बाई टी टू माइनस टी वन हो गया, और फिर इसे छोटी कोष्ट फिर बड़ी कोष्ट में से रखे हैं, ए टू माइनस ए वन बाई, देखिए यहाँ आर इक्वल कितना आया अभी, माइनस डेल ए बाई डेल टी। फाइनल आपका आंसर यही है, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए या फिर नोट कर लीजिएगा कॉपी के, क्योंकि इससे आपका न्यूमेरिकल बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिफल का अभिक्रिया वेग, वो था अभिकारक का अभिक्रिया वेग और ये है प्रतिफल का अभिक्रिया वेग। देखिए प्रतिफल का अभिक्रिया वेग बी टू माइनस बी वन बाई टी टू माइनस टी वन आर इक्वल डेल, प्रतिफल आपका प्लस में है इसलिए डेल बी बाई डेल टी। संपूर्ण अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग, पूरे अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग आपका यहाँ माइनस डेल ए बाई डेल टी इक्वल प्लस डेल बी बाई डेल टी। जो अभिकारक और प्रतिफल है संपूर्ण अभिक्रिया के लिए, तो वो एक दूसरे के बराबर हो गया, ठीक है। तो अंत तक जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।